तो दोस्तों दुनिया क्या सोचेगी ये कभी मत सोचो, क्योंकि जो लोग हैं वो नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाते हैं और कामयाब लोगों से जलन करते हैं। तो यहां सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने गोल के प्रति निष्ठावान रहो और दिन प्रतिदिन मेहनत करते रहो। हेलो एवरीवन, चलिए इसमें आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है December 12, 2018 और डे है वेनेसडे। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू को, पर उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूछ रहा है आपसे सीक्रेट्स के बारे में। भी रिसेंटली हम लोगों ने करंट अफेयर डिस्कशन में लिया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सी स्नेक्स। तो पहली स्टेटमेंट है कि जो सी स्नेक्स होते हैं वो अपना बहुत सारा जो समय है वो अंडर वाटर गुजारते हैं, एंड दे हैव टू गेट बैक टू लैंड, जमीन पर वापस आते हैं अपने जो प्रे होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, एग्स ले करने के लिए, और जो अपनी स्किन होती है उसको स्लॉग करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट है जो सी स्नेक्स हैं, दे यूज द ग्रेजुअल स्लोप्स ऑफ सैंडी बीचेस टू मूव फ्रॉम द सी टू अपरूटेड ट्रीज डिस्पर्स्ड अलॉन्ग द इंटरटाइडल जोन। याद रखना यहाँ पे जिन सी स्नेक्स के बारे में बात हो रही है वो सी क्रेट्स हैं। ओके, तीसरी स्टेटमेंट है दे आर डायर्नल इन नेचर। वो डायर्नल होते हैं नेचर में, इसका ये मतलब होता है कि वो दिन में और रात में दोनों समय पर काम करते हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए 1 और 2 ओनली, बी 2 और 3 ओनली, सी 1 और 3 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। सबसे पहली और बड़ी न्यूज आपको मिलती है नए आरबीआई गवर्नर के बारे में। तो उजीत पटेल जी, जो कि अब पूर्व आरबीआई गवर्नर हो चुके हैं, उनके रेजिग्नेशन के कुछ ही घंटों बाद हम लोगों के सामने एक नया नाम आया। नाम है शक्तिकांत दास का और वो बन चुके हैं आरबीआई के 25th गवर्नर। शक्तिकांत दास एक ब्यूरोक्रेट हैं और एक ब्यूरोक्रेट के बाद यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर की पोजीशन संभालने वाले ये तीसरे ऐसी पर्सनैलिटी होने वाली हैं। इनसे पहले डी सुभराव और वाई वी रेड्डी भी वो पर्सनैलिटी थे जो कि पहले ब्यूरोक्रेट्स थे और उसके बाद आरबीआई गवर्नर का पद संभाला। देखो, जो यहाँ पे शक्तिकांत दास जी हैं उन्होंने पहले सेक्रेटरी रिवेन्यू और इकोनॉमिक अफेयर्स का पद भी संभाल चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर। तो मतलब इनको बहुत सारी यहाँ पे एक्सपीरियंस है फिनेंस वाली, इकोनॉमी वाली फील्ड से डील करने का। इसके साथ साथ जो शक्तिकांत दास जी हैं वो करेंटली मेंबर है 15th फिनेंस कमीशन के और साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं ये G20 के अंदर एज अ रोल ऑफ शेरपा। अब शेरपा क्या होते हैं? बेसिकली G20 के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेज देते हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको शेरपा के नाम से बुलाया जाता है। वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर थे वो, तमिलनाडु कैडर के, अब रिटायर्ड हो चुके हैं और अब फाइनली बन गए हैं आरबीआई के नए गवर्नर, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। बाकी सारी डिटेल जो भी है मैंने आपको डिस्कशन में ले ली। यहां पे देखना जो आर्टिकल है उस पे लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेट शक्तिकांत दास एज द 25th गवर्नर ऑफ द आरबीआई और नीचे है अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो किसने यहां पे अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। एक और चीज इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक और चीज है कि ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का यहां पे टेन्योर होता है आरबीआई गवर्नर का। इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना अपनी अपनी डायरीज में। अब यहां पे ये बहुत सारी चीजें थी जिनके बीच में शक्तिकांत दास जी का नाम आया और यहाँ पे आप जितने भी न्यूज़पेपर खोलोगे वहाँ पे आपको जो हेडलाइंस मिलेंगी वो इसी तरीके की मिलेंगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने शक्तिकांत दास जी को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चुना है और यहाँ पे जो आरबीआई की इंडिपेंडेंस है शायद उसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन रहे हैं शक्तिकांत दास जी यहाँ पे गवर्नमेंट के। इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे डिमोनेटाइजेशन या जब हमारे GST आया उस समय भी यहाँ पे शक्तिकांत दास जी ने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। और इसके साथ साथ दो और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ पे हम लोगों का जो नाम है शक्तिकांत दास जी का जो नाम है वो हम लोगों को सुनने को मिला। हम लोग इनएडिबल इंक की बात करते हैं कि इलेक्शन के अंदर हम लोग इनएडिबल इंक का इस्तेमाल करेंगे, उसके भी सपोर्ट में यहाँ पे शक्तिकांत दास जी नज़र आए थे। और इसके साथ साथ आपने एक अमेजोन का केस सुना होगा कि हमारे देश के जो नेशनल फ्लैग हैं उसके डोरमैट्स बिक रहे थे, उसके खिलाफ भी इन्होंने अच्छा खासा ट्वीट किया था, उसके बाद भी इनका जो नेम है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आ गया था। इसके साथ एक न्यूज़ है कि इनके लिए जो मिंट स्ट्रीट है, जो आरबीआई गवर्नर की जो पोजीशन है वो आसान नहीं रहने वाली है, वो उनके लिए केक वॉक बिल्कुल नहीं रहने वाली है।
बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस उनके सामने हैं। एक तो बहुत सारे जो चैलेंजेस जो पहले से ही आरबीआई गवर्नर और यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में चल रहे थे वो इन्हें बैलेंस करना है। अभी जो रिसेंट यहाँ पे मीटिंग होने वाली है 14 दिसंबर को, उसमें बड़ी बड़ी बातचीत होंगी, उनको वो किस तरीके से बैलेंस करेंगे ये कुछ बड़े बड़े सवाल हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये इंडिपेंडेंट रूप से काम कर पाएंगे। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल आपको द हिंदू में मिलता है, न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है, न्यूज़ एनालिसिस है यहाँ पे कि जो पोस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर है, इट इज नॉट आफ्टर 5 ईयर्स हिएटस दैट सॉ टू इकोनॉमिस्ट ऑक्यूपाई द पोस्ट। तो दो इकोनॉमिस्ट ने लगातार यहाँ पे पोस्ट को ऑक्यूपाई किया, यहाँ पे रघुराम राजन जी थे, फिर उर्जित पटेल जी थे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक और ब्यूरोक्रेट आए, शक्तिकांत दास जी, इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है एज ए न्यू आरबीआई गवर्नर। यहाँ पे हम लोग आसानी से डिसमिस कर सकते हैं मिस्टर दास की अपॉइंटमेंट कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है बहुत सारी और अच्छी अच्छी चीज़ें की, बहुत ही लॉयलिस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, पर उनके जो एक्सपीरियंस हैं उसको हम लोग मिस नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग एक साइड पे कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने एक लॉयलिस्ट को चुना है एज दी न्यू आरबीआई गवर्नर, पर उनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे फिनेंस की फील्ड में, जो उन्होंने 1980 के बाद से यहाँ पे काम किया है गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, यहाँ पे वो पार्ट रहे हैं हमारे देश के स्टील फ्रेम का, उसको हम लोग नहीं भूल सकते। हम लोग देखो उनके एक्सपीरियंस को नहीं हमें भूलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग उन्हें लॉयलिस्ट कह रहे हैं, जो भी सारी बातें कर रहे हैं वो तो आगे आने वाले समय में पता लगेंगी, पर अभी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ही इज़ एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी। ओके, तो यहां पे वही चीज है। यहां पे देखो आप देखोगे कि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन भी इन्होंने बहुत सारी बात की थी, इनका अच्छा खासा रिच एक्सपीरियंस है क्योंकि इन्होंने फिनेंस के अंदर, इंडस्ट्री मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारा यहाँ पे समय गुजारा है, खासकर तमिलनाडु स्टेट के अंदर, नॉर्थ ब्लॉक के अंदर भी इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर, मैंने आपको बताया था, रिवेन्यू सेक्रेटरी और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का भी पद संभाला था। तो ये भी बहुत एक बहुत ही ग्लोबल पर्सनैलिटी के रूप में उस समय भी उभर के आए थे, बहुत ज़्यादा उनका न्यूज़ में नाम रहता था, आर्टिकल्स आते थे। साथ ही आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल एजेंसीज वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगी यहाँ पर न्यू आरबीआई गवर्नर की पोजीशन पर। क्योंकि देखो एक चीज़ समझो कि अगर आरबीआई के और सरकार के बीच में जो चीजें हैं वो बैलेंस रहेंगी तो यहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी खुश रहेंगे, इंटरनेशनल एजेंसीज खुश रहेंगी, तो उस वजह से यहां पे पॉजिटिवनेस हम लोगों को देखने को मिलेगी, मार्केट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और यहां पे एक प्रिज्म फैक्टर भी हम लोगों के सामने आ जाता है। तो मिस्टर दास के पास यहाँ पे तीन बड़ी बड़ी एडवांटेजेस हैं जो उन्हें देखने को मिलेंगी हम लोगों को इस पद के बाद। यहाँ पे जो पहली एडवांटेज है वो ये है कि वो सरकार के बहुत ही ट्रस्टेड पर्सनालिटी हैं, ट्रस्टेड एक पर्सन हैं, तो यहाँ पे वो टॉप लीडरशिप जितनी भी है उनके साथ उनकी अच्छी खासी बातचीत है। दूसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन ये है कि उन्हें पता है कि यहाँ पे जो सरकारें हैं वो बदलती रहती हैं, एक ब्यूरोक्रेट को पता होता है कि सरकारें बदलती रहती हैं और वो उसी हिसाब से अपने डिसीजंस को मैनेज करता है, उन्हें बदलता है, उनको उसी तरीके से डील आउट करता है। तो ये दूसरा फायदा है यहाँ पे जो शक्तिकांत दास जी हैं उनका। जो तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो उनको मिलने वाला है वो कि उनको यह पता है कि जी कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं नॉर्थ ब्लॉक और पीएमओ के अंदर वो उनके ट्रेंचमेट्स हैं, कभी ना कभी उनके साथ काम किया है, उनको जानते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने आपको बताया कि वाईवी रेड्डी और डी सुब्राव भी थे वो दो गवर्नर्स जो कि पहले ब्यूरोक्रेट थे और उसके बाद वो लोग मिंट स्ट्रीट इज दी स्ट्रीट जहां पर आरबीआई लोकेटेड है, इसलिए मिंट स्ट्रीट के नाम से भी हम लोग जान जाते हैं। यहाँ पे कुछ की एजेंडा हैं जे दे हैव टू लेफ्ट टू द न्यू गवर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, कि अब नए गवर्नर आए हैं तो उनके पास कुछ नए की एजेंडाज हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनको रिजॉल्व आउट करना है। कल मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन में लिए थी कि क्या क्या बड़े बड़े सवाल थे जिस वजह से उर्जित पटेल जी ने रिजाइन किया, वो सवाल यहाँ पे जो शक्तिकांत दास जी हैं उनके सामने भी आ गए हैं, उनको बैलेंस करना उन सारी की सारी चीज़ों को। उनका भी आर्टिकल आपको पेज नंबर 15 पर देखने को मिलता है, न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है। तो आरबीआई के सोर्सेज की अगर हम लोग माने तो जो यहाँ पे उर्जित पटेल जी हैं उन्होंने गवर्नमेंट की कुछ डिमांड में एग्री करने को राजी हो गए थे, वो लोग कि हम मैं गवर्नमेंट की कुछ डिमांड्स को मान लूँगा, जैसे जो सेंट्रल बैंक्स का जो कैपिटल है उसको वापस से रिव्यू करना, यहाँ पे बैंक्स के ऊपर जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला फ्रेमवर्क लगाया जाता है उसको स्क्रूटनाइज करना, कि जो भी चीज़ें होती हैं उनको फिर से रिव्यू करना, जो MSME हैं उनकी जो रिकास्ट स्कीम्स हैं उनको लेकर आना, तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मान गए थे। और यहाँ पर जो डिमांड बेसिकली आरबीआई कर रहा था वो ये था कि आरबीआई की इंडिपेंडेंस में हलल ना आए, कोई भी यहाँ पे आरबीआई की इंडिपेंडेंस को डिग्रेड ना करे, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को वो डिग्रेड होती हुई नजर आ रही थी। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग आरबीआई के बोर्ड की बात करें तो उसने कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है फ्रॉम द ब्रॉडर विजन ऑफ द सेंट्रल बैंक, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है अपने आप को कि वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते सेंट्रल बैंक के उसमें।
पर जिस तरीके से पॉलिसी डिसीजंस हम लोगों को देखने को मिले थे वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे थे। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि जिस तरीके से यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने रेजिग्नेशन दिया है और उससे पहले भी रघुराम राजन जी का जो टेन्योर है उसको कंटिन्यू नहीं किया था, यह बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है हम लोगों के सामने कि देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं क्या उनकी इंडिपेंडेंस यहाँ पे है या नहीं। ओके और यहाँ पे आप देखो कि जो उर्जित पटेल जी हैं या फिर रघुराम राजन जी हैं ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, पूरी दुनिया में इन दोनों का नाम है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 7 जिसके अंदर ये लिखा हुआ है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई के बोर्ड को यहाँ पे डायरेक्शन दे सकती है, उनको निर्देश दे सकती है, उनसे काम करा सकती है, मतलब बोर्ड से ऊपर यहाँ पे सरकार को बिठा दिया जाता है सेक्शन 7 के अंदर। और सरकार मना कर रही थी कि अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 7 का इस्तेमाल नहीं किया है, बट मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सेक्शन 7 का इस्तेमाल हो चुका है। ये वाला आर्टिकल फिर से इस चीज़ को कह रहा है, आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पर हो कि यही चीज़ है कि वर्बल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन अभी तक इस चीज़ के लिए सामने नहीं आ पाया है, कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है। पर यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने भी जो कम्युनिकेशन हुए उसके बाद भी सरकार ने किस तरीके से डिसाइड किया कि सेक्शन 7 को इन्वोक किया जाए। ठीक है, इस चीज़ को मार्केट में नहीं लाया गया था पर लोग ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि सेक्शन 7 को इन्वोक कर ही दिया गया था। अब बड़े सवाल ये हैं कि दिसंबर 14 को जो मीटिंग होने वाली है जहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन है आरबीआई की गवर्नेंस से रिलेट करते हुए, उसमें किस तरीके से डील आउट करते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को शक्तिकांत। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज भी यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेट करती है। यहां पे पेज नंबर 15 पे ही आपको न्यूज मिलती है, इकोनॉमिक की न्यूज कवर कर रहे हैं तो इस वाली न्यूज को भी साथ में ही ले लेते हैं। सुरजीत भल्ला रिजाइन्स फ्रॉम EACPM। तो जो हमारी यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है उसके पार्ट टाइम मेंबर एमिनेंट इकोनॉमिस्ट और कॉलमिस्ट सुरजीत भल्ला जी ने भी रिजाइन किया यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी प्राइम मिनिस्टर को उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट किया। पर यहाँ पे उन्होंने जो रेजिग्नेशन दिया उसमें इस चीज़ को बोला कि वो और एजेंसीज को और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, इस वजह से वो यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। यहाँ पे और डिटेल्स आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है टू द प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ पे 6 मेंबर काउंसिल है जिसके अंदर एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो है विवेक देबरॉय वो यहाँ पे चेयरमैन है, इसके साथ साथ रतन पी वट्टल भी हैं, मेंबर सेक्रेटरी है ये, रतिन रॉय हैं जो कि पार्ट टाइम मेंबर हैं, आशिमा गोयल जी हैं जो कि पार्ट टाइम मेंबर हैं, इसके साथ साथ आपको शमिका रवि जी हैं जो कि यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर हैं। यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में छोटी मोटी चीज़ें। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस चीज़ को याद रखना, ना ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही कोई स्टेटूटरी बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्मुलेट किया है, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया है। तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उस समय जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी उसको ख़त्म कर दिया गया था और फिर उसको वापस से रीस्टैब्लिश किया गया 2017 के अंदर। नाम है इसका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों को। इसके चेयरपर्सन हैं आज की डेट में विवेक देबराय जी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमी से रिलेट करते हुए, फाइनेंस से रिलेट करते हुए जो भी बड़े बड़े इशूज़ होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे एडवाइस करती हैं। जो भी यहाँ पे चीज़ें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इन चीज़ों पे मुझे एडवाइस चाहिए, इन चीज़ों पे आप लोग सोचो विचारो और फिर मुझे बताओ कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, उन चीज़ों पर भी यहाँ पे एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। ये सुओ मोटो भी कोई भी टॉपिक ले सकते हैं जो भी इन्हें लगे कि मैक्रो इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर उसके ऊपर भी सोच विचार करके प्रेजेंटेशन बना के भी प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये रखना कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा इंडिपेंडेंट बॉडी से रिलेटेड यहां पे आपको कंफ्यूज जरूर किया जाएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज आपको मिलती है पेज नंबर 3 पे, यहां पे बात हो रही है गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा के बारे में। न्यूज आपकी स्क्रीन पर है, गंजम टेक्स द लीड इन हाउस स्पैरो कंजर्वेशन। तो जो हाउस स्पैरो होती हैं उनके कंजर्वेशन को रिलेट करते हुए गंजम डिस्ट्रिक्ट में यहां पे बहुत ही बड़ी मुहिम चालू हो गई है। अगर आपने देखी होगी मूवी 2.0 जो कि रजनीकांत और अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें अक्षय कुमार बेसिकली एक ऑर्निथोलॉजिस्ट कैरेक्टर हैं जिसका नाम है पक्षीराजन। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे हाउस स्पैरोज हैं उन्हें कंजर्व करना जरूरी है और उनको कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल नेट्स बनाए जा रहे हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पे जितने भी 22 ब्लॉक्स हैं ओडिशा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर
2018 के एंड तक यहाँ पे स्पैरो कंजर्वेशन में पूरी की पूरी तरीके से कामयाब हो जाएंगे। मेन मकसद यही है कि जो लोकल पीपल हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए हाउस स्पैरो के कंजर्वेशन के लिए और यहाँ पे आर्टिफिशियल नेट्स की मदद से लगाए जाएं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एटलीस्ट वन विलेज इन ऑल द रेवेन्यू ब्लॉक्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो होंगे वहाँ पर कामयाबी के जो परचम हैं यहाँ पे कंजर्वेशन के वो लगाए जा रहे हैं। स्पैरो की हम लोग बात करते हैं तो स्पैरो जो नेस्ट होते हैं और जो ले एग्स करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 4 times इन अ ईयर करते हैं। तो अगर एक स्पैरो को यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा तो उसकी मदद से जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होती हुई हमें नजर आएगी और यहाँ पे जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वो फ्लैग बियरर ऑफ स्पैरो कंजर्वेशन इन द स्टेट के रूप में हम लोगों को सामने नजर आ रहा है। गंजम डिस्ट्रिक्ट पहले भी और भी जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड कर चुका है, जैसे यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स को, यहाँ पे रिशुकुलिया सी टर्टल्स को, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों पे पहले ही काम हो रहा है गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हम लोग 5G की बात करते हैं, 6G की बात करते हैं, पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उनको कितने ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों को सोच विचार करना चाहिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे बेसिकली है एक एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, द पावर ऑफ पार्टनरशिप यूनाइटिंग फॉर विमेन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, इंडिया लीड्स द वे विद पार्टनर्स फोरम 2018। तो बात हो रही है यहाँ पे पार्टनर्स फोरम 2018 के बारे में। कोई छोटी मोटी ये फोरम नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर 85 कंट्रीज पूरी दुनिया से आकर पार्टिसिपेट करने वाली है। और मेन मकसद क्या है यहाँ पे, जो हेल्थ ऑफ विमेन है, चिल्ड्रन है, एडोलेसेंट्स हैं, उनके जितने भी एक्शन चल रहे हैं सारे के सारे देशों में उसे और ज़्यादा बढ़ाना और यहाँ पे महिलाओं की सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी, एडोलेसेंट्स की सिक्योरिटी, उसके ऊपर ध्यान देना। तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली के अंदर होने वाली है 12th और 13th December 2018 के अंदर। अब पार्टनर्स फोरम एक इंटरनेशनल फोरम है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इस फोरम को यहाँ पे होस्ट करने का मौका 2018 में इंडिया को मिला है। तो इस फोरम के बारे में जो डिटेलिंग है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही है। तो इम्पोर्टेंट ये पार्टनर्स फोरम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये लार्जेस्ट एवर पार्टनर्स फोरम होने वाली है न्यू दिल्ली के अंदर और इस फोरम को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसके साथ साथ PMNCH जो हमारी पार्टनरशिप फॉर मटेरियल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ है वो यहाँ पे साथ में मिलकर, हमारी नहीं पूरी दुनिया की है यार ये तो, सॉरी। तो ये जो पार्टनर्स फोरम है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तो इसे इंडिया होस्ट कर रहा है और ये अभी तक की सबसे बड़ी पार्टनर्स फोरम होने वाली है न्यू दिल्ली के अंदर ये होगी। इसको यहाँ पे को होस्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पे PMNCH इज पार्टनरशिप फॉर मटेरियल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। तो यहाँ पे 1200 पार्टनर्स आएंगे, 100 से ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं जिनका मेन मकसद यही है एवरी विमेन एवरी चाइल्ड मूवमेंट के अंदर यहाँ पे अचीव करने हम लोगों को यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जहाँ पर हम लोगों को महिलाओं, बच्चों, एडोलेसेंट्स की हेल्थ के विकास करना है जो कि हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजी है। तो मेन मकसद यही है कि एवरी विमेन चाइल्ड एडोलेसेंट नो मैटर वेयर दे लिव कैन सर्वाइव थ्राइव एंड ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। तो जो इंपॉर्टेंस है महिलाओं की, बच्चों की, उनको ध्यान में रखते हुए इस पार्टनर्स फोरम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक यूनिक फोरम है ये। तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना, वाटर के ऊपर, हाइजीन के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर, लेबर वर्क के ऊपर और यहाँ पे इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर इंडिया की भी सराहना की गई है कि इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम किया है और अच्छी तरीके से यहाँ पे जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए महिलाओं और बच्चों के विकास में यहाँ पे अच्छा खासा योगदान दिया है। इस पर्टिकुलर फोरम के अंदर बहुत सारी बातचीत होंगी, सेमिनार्स होंगे और यहाँ पे 12 केस स्टडीज को भी लॉन्च किया जाएगा इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर, जहाँ पे पावर ऑफ पार्टनरशिप, क्रॉस सेक्टोरल एक्शन, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल लीडरशिप, जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको यहाँ पे उस 12 केस स्टडीज के थ्रू यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे सक्सेस स्टोरी भी बताई जाएगी इंडिया की, जैसे मिशन इंद्रधनुष की, जिस तरीके से हमने को ने कोलैबोरेट किया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में और यहाँ पे हमारे जो गोल है कि 2020 तक 90% ऑफ चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन को हम लोग इम्यूनाइज कर देंगे, उस चीज़ को अचीव करने में जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है उस चीज़ को भी हम लोग शोकेस करेंगे यहाँ पे पार्टनर्स फोरम 2018 के अंदर। अब इसी पर्टिकुलर एड के अंदर यहाँ पे बहुत सारे और चीज़ें थी, वो भी आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लो क्या क्या चीज़ें थी, कलरफुल यहाँ पे चीज़ें हैं। आपको बताया हुआ है यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष के बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में, जन्य शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में। इस स्क्रीन को एक बारी पॉज कर लेना, जो डिटेल है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, एक बारी प्यार से पढ़ लेना कि चीज़ें क्या क्या लिखी हुई हैं, क्या पता इनसे कोई भी क्वेश्चन
बन जाए। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। इन ब्रीफ वाले सेक्शन में आपको एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूज मिलती है। यहाँ पे बात हो रही है तिरुचनवर टेम्पल के बारे में। तिरुचनवर टेम्पल जो कि तिरुपति के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पे इस समय सेलिब्रेट किया जा रहा है रथोत्सवम। रथोत्सवम में रथ निकाला जा रहा है यहाँ पे, और रथ के ऊपर हैं गॉडेस श्री पद्मावती अमावरु, और उनको बिठा के यहाँ पे एक रथ निकाला जा रहा है, रथ यात्रा निकाली जा रही है। कलरफुल कार्निवल यहाँ पे होता है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पे सुंदर माहौल बन रहा है। इन ब्रीफ वाले सेक्शन में ये न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। वहाँ पे भी इन ब्रीफ वाले सेक्शन में आपको एक स्मॉल न्यूज़ मिलती है। यहाँ पे बात हो रही है 6-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन यहाँ पे मैं MC मैरी कॉम के बारे में। तो MC मैरी कॉम को यहाँ पे मणिपुर सरकार ने एक ऑनर से सम्मानित किया है। इस ऑनर का नाम है मिथोई लीमा। तो मिथोई लीमा का अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखोगे उसका मतलब होता है पार एक्सीलेंट क्वीन। तो एक बार एक्सीलेंट क्वीन को यहाँ पे सम्मानित किया गया है MC मैरी कॉम को। उनका जो योगदान है यहाँ पे स्पोर्ट्स की फील्ड में उसको ध्यान में रखते हुए न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। मणिपुर ऑनर्ड बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम विद द टाइटल मिथोई लीमा, और यहाँ पे 10,00,000 रुपये भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी MC मैरी कॉम के बारे में और मणिपुर के बारे में, और मणिपुर से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और करंट अफेयर जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर के अंदर ही खुलने वाली है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ आपको पेज नंबर 9 पे ही मिलती है। न्यूज़ है डोंट रिवील आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम्स सेज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिसीजन सुनाया है और सही डिसीजन सुना है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को डायरेक्शन दी है, मीडिया को प्रोहिबिट किया है कि मीडिया कोई जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को रिलीज नहीं करेंगे और कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने नहीं रखेंगे जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी लोगों के सामने आए। यहाँ पे निपुण सक्सेना जी की एक यहाँ पे पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा था कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी मीडिया के थ्रू सबके सामने आ जाती है और उस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को हम लोगों के सामने रखा है। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ बोला है कि नो पर्सन, कोई भी वैसा व्यक्ति, कोई भी नहीं यहाँ पर प्रिंट करेगा, पब्लिश करेगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, नेम ऑफ द विक्टिम और नेम के साथ कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यहां पर जो विक्टिम है उसका नेम या आइडेंटिटी को रिवील कर रहे हो पब्लिक के अंदर, उस चीज को यहां पे रिलीज नहीं करेगा। इसके साथ साथ इट बार्स टू एक्सटेंड टू एनीथिंग विच कैन इवन रिमोटली बी यूज टू आइडेंटिफाई द विक्टिम। कोई भी ऐसी चीज रिलीज नहीं होगी जो कि कहीं से भी विक्टिम को आइडेंटिफाई किए जाने के लिए बिल्कुल सहायतमंद हो। एक बेंच बैठी थी जस्टिस मदन बी लोकर जी की और दीपक गुप्ता जी की, और इन्होंने इस बड़े और सही डिसीजन को हम लोगों के सामने रखा। कोर्ट ने यहाँ पे यह भी बोला कि सेक्शन 228A2 जो है हमारा IPC का, जो कि कहता है कि नेम ऑफ विक्टिम को रिलीज नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। वो इस चीज से भी डील करता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि पब्लिश की जाए और आइडेंटिटी यहाँ पे सामने आ जाए रेप विक्टिम की, उससे भी डील करता है। यहाँ पे जो इंटेंशन है लॉ मेकर्स की वो यही है कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी चीज़ें सामने रखी हैं, जैसे इट बेयर द पुलिस फ्रॉम पुटिंग इन पब्लिक डोमेन द FIRs। तो जो FIRs होती हैं अंडर सेक्शन 376-376E जो कि डील करती हैं सेक्सुअल ऑफेंस अंडर IPC से, इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे पॉस्को एक्ट के अंदर केसेज आएंगे उनकी FIR पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाएंगी। और यहाँ पे जो भी एजेंसीज हैं जैसे CBI है या बाकी सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जिनके पास केसेज जाते हैं, वो भी इन सारी की सारी चीज़ों को ड्यूटी बाउंड मैनर में रखेंगी, सीक्रेटिव रखेंगी और सील्ड कवर के अंदर ही यहां पे जो आइडेंटिटी है यहां पे विक्टिम की उसको रखा जाएगा। और यहां पे एक और चीज बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि विक्टिम के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो सबके सामने रखे, या जो अपील क्रिमिनल कोर्ट्स में जो फाइल की जाती है उसके अंदर अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मेंशन करे। मैंने आपको बताया निपुण सक्सेना जी ने यहां पे पिटीशन डाली थी जिसकी मदद से यहां पे कामयाब हो सके वो आइडेंटिटी ऑफ एडल्ट और चाइल्ड विक्टिम्स को सेव करने के लिए, जिससे वो लोग यहां पे हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करें। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज यहां पे बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर टू डिक्लेयर 10 किलोमीटर एरिया अराउंड नेशनल पार्क
एज इको सेंसिटिव जोन्स। पहले न्यूज देख लेते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि इको सेंसिटिव जोन्स असलियत में होते क्या हैं। न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे डायरेक्ट किया यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर को कि यहां पे 21 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन्स के रूप में यहां पे आइडेंटिफाई कर दिया जाए। यहाँ पे एक बेंच बैठी थी जस्टिस मदन बी लोकर की, जिसने इनिशिएटिव लिया जब एमेकस क्यूरी ने यहाँ पे कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कोई भी एफर्ट नहीं लिया है जिससे जो सेंचुरीज हैं या पार्क्स हैं उनको प्रोटेक्शन दी जा सके और उनके जो एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे एक और शब्द आ गया हम लोगों के लिए जरूरी, वो है एमेकस क्यूरी। एमेकस क्यूरी क्या होता है? एमेकस क्यूरी को हम लोग फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। वो कोई भी पर्सन होता है जो कि किसी भी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं रहता है, पर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कोर्ट को। तो एमेकस क्यूरी ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कोर्ट को, यहाँ पे मदन बी लोकर जी की बेंच को, कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ पार्क्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके बाद ये इनिशिएटिव उठाया गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा और यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ये डायरेक्शन दी गई कि 21 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। एक बार देख लो कि उनके नेम क्या क्या है। नेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से पार्क और सेंचुरीज हैं, जैसे प्रोबिता सेंचुरी है असम के अंदर, और भी आप देख लेना एक भाई जिससे आपको वापस से रिवाइज हो जाए कि कौन सी सेंचुरी या कौन सा पार्क यहाँ पे कौन सी स्टेट के अंदर है। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। इको सेंसिटिव जोन्स या इनको हम लोग इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरियाज के नाम से भी जानते हैं, इन एरियाज को यहाँ पे नोटिफाई करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के वो एरिया होते हैं जहां पे इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना, कोई प्रोजेक्ट लगाना, किसी चीज को प्रोसेस करना प्रोहिबिटेड होता है। बेसिकली ये जो जोन्स होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं, ठीक है। इनका भी मेन मकसद वही होता है जो कि यहां पे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, प्रोटेक्टेड एरियाज का, नेशनल पार्क्स का मकसद होता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे सवाल बन सकता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड मेंशन नहीं है जो कि इको सेंसिटिव जोन से रिलेट करता हो, पर सेक्शन 325 ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कुछ एरिया में यहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑपरेशन और प्रोसेसिंग या क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज ऑपरेशन या प्रोसेसिंग जो कि कैरिड आउट हो रही है जिससे यहाँ पे जो एनवायरमेंट है उसका नुकसान हो सकता है, वाइल्ड लाइफ का नुकसान हो सकता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज आपको मिलती है पेज नंबर 14 पे, वर्ल्ड वाला ये पेज है। न्यूज यहां पे ब्रेक्सिट से रिलेट करते हुए आ रही है। देखो न्यूज है, नो मोर ब्रेक्सिट नेगोशिएशन सेज मार्कल। तो यहां पे जर्मन लीडर एंजेला मार्कल का ये कहना है कि ब्रिटेन ने जो चीजें फाइनलाइज कर दी थी यहां पे कि वो पार्ट नहीं रहेगा यूरोपियन यूनियन का, उसके ऊपर रीनेगोशिएशन की बात हम लोग नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि थेरेसा मे ने पहले तो फैसला कर लिया था और रेफरेंडम में भी यहां पे प्रूफ हो गया था कि यहां पे ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेगा, बट उसके बाद जिस तरीके का रिएक्शन हम लोगों को ब्रिटेन के अंदर लोगों का देखने को मिला, खासकर यहां पे जो पार्लियामेंटेरियंस है वो भी खिलाफ नजर आए यूरोपियन यूनियन के एग्जिट के, और यहां पे जो ब्रेक्सिट है वो हम लोगों को खत्म होता हुआ नजर आया है। देखते हैं कि चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं, बट फाइनली चीज यही है कि जो डिवोर्स था वो शायद अब नहीं होगा बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन। यहां पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जॉन मेजर, उनका ये कहना है कि ब्रिटेन मस्ट रिवोक इट्स डिवोर्स नोटिस इमीडिएटली। जो डिवोर्स नोटिस है उसको जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए और फिर से हम लोगों को रिवोक कर देना चाहिए आर्टिकल 50 इमीडिएट इफेक्ट से। अब यहां पे बात हो रही है आर्टिकल 50 के बारे में। अब असलियत में आर्टिकल 50 है क्या? आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन जो है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी देश यहां पे ये फैसला लेता है, कोई भी मेंबर स्टेट ये डिसाइड करता है कि वो अपनी जो मेंबरशिप ऑफ यूरोपियन यूनियन से विथड्रॉ कर रहा है, तो उसको यूरोपियन काउंसिल को अपनी इंटेंशन के बारे में बताना पड़ता है, तो उस चीज को फिर से रिवोक करता हुआ दिखाई दे सकता है हम लोगों को ब्रिटेन। तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे बात हो रही है पेज नंबर 14 पे, यूएस हियरिंग ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया पोस्टपोन्ड। यहाँ पे पहले बैकग्राउंड लेते हैं, हुआ क्या था। यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF की एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2018 हम लोगों को देखने को मिली, जिसने यहाँ पे इंडिया को पुट किया टीयर टू के अंदर। टीयर टू क्या होता है? न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। यहाँ पे वो लिस्ट होती है उन देशों की जिनके अंदर होता है इन विच द वायलेशंस एंगेज्ड इन और टॉलरेटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 2017 आर सीरियस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सिस्टमैटिक ऑनगोइंग एंड एग्रीगियस CPC, Country of
पर्टिकुलर कंसर्न और अ टीयर वन कंट्री स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि वो सरकार जिसके अंदर यहाँ पे वायलेशन बहुत ज़्यादा हुए, यहाँ पे बेसिकली रिलीजियस वायलेशंस की बात होती है। यहाँ पे जिस तरीके से इसी रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया था कि जिस तरीके से यहाँ पे गौरक्षा के नाम से एक वायलेशन हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके इंडिया को लगाया गया यहाँ पे टीयर टू नेशंस के अंदर। तो इंडिया को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है और इस कैटेगरी के अंदर हम लोग लगातार 2009 के बाद से ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नए नए आए हैं इस कैटेगरी के अंदर, 2009 के बाद से लगातार हम इसी पर्टिकुलर कैटेगरी टीयर टू वाली कैटेगरी के अंदर हैं। इंडिया के अलावा और भी जो कंट्रीज इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर हैं वो हैं अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहराइन, क्यूबा, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाक, यहाँ पे लाओस, मलेशिया और टर्की। तो बेसिकली इसी को ध्यान में रखते हुए एक हियरिंग चल रही थी यूएस कमिश्नर ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अंदर और इस हियरिंग का टाइटल था फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ इन इंडिया राइजिंग चैलेंजेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर यूएस पॉलिसी। ओके, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके जो डिसीजन थे वो डिसम्बर 4 को होने थे पर उस चीज़ को पोस्टपोन करके रिस्केड्यूल करके मे 13 को रखा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिला और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स और अटेंडीज की ये लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 20 पे क्योंकि इकोनॉमी की न्यूज़ तो हम लोगों ने सबसे पहले ही डिस्कशन में ले ली। पेज नंबर 20 पे यहाँ पे बातचीत हो रही है एस्ट्रॉइड बेनू और हमारे ओसिरिस रेक्स के बारे में। तो हमने ओसिरिस रेक्स भेजा है जिससे वो यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड है बेनू उसके ऊपर यहाँ पे जाएगा, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक जाएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करेगा और वापस से हमारी धरती पर लेकर आएगा जिससे हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ और जो अर्थ है वो किस तरीके से बनी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई हुई है कि एस्ट्रॉइड बेनू के ऊपर कुछ हमें पानी के ट्रेसेस मिले हैं, हमें कुछ मॉलिक्यूल मिले हैं हाइड्रोजन के, कुछ मॉलिक्यूल मिले हैं ऑक्सीजन के, तो H2O इज वाटर, तो इस वजह से यहां पे बोला जा रहा है कि वाटर के जो ट्रेसेस हैं वो हम लोगों को मिल गए हैं। न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, वाटर ट्रेसेस फाउंड ऑन एस्ट्रॉइड बेनू। तो ऑस्ट्रिक्स रेक्स ने डिस्कवर किए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स फॉर वाटर और जो कि नियरली इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड के आसपास ही हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो ये जो एस्ट्रॉइड बेनू है वो 2.25 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी धरती से और यहां पे ट्रेसेस मिले हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के। बेसिकली ये जो प्रोब वाला मिशन है इसको 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। मेन मकसद यही है कि हम लोग देख सकें कि किस तरीके से हमारी जो सोलर सिस्टम है, जो अर्थ है वो डेवलप हुई है। ओसिरिस रेक्स 1.9 किलोमीटर पास भी करेगा, इतनी ही कम दूरी पे पास करेगा यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेनू से और जो स्पेसक्राफ्ट है वो हमारी अर्थ पे वापस आ जाएगा 2023 के सेप्टेम्बर के अंदर बहुत सारे स्पेसिमेंट्स को अपने साथ में लेकर। तो बस आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही खबरें थी, कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कोई भी मन में कमेंट, डाउट या क्वेरी हो तो फेसबुक पे जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ या नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने अपने कमेंट ड्रॉप करके मुझे बता सकते हो। आज की वीडियो को एंड करते हैं, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।